हेलो गाइस, स्वागत है आपका मार्वल फ्यूचर रेवोल्यूशन की एक और वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं कि मैं स्टॉर्म से अब सारे सुपर विलन्स को मार रहा हूँ। इससे पिछली वीडियो में मैंने आपको माइस्ट्रो को हरा के दिखाया था, उसके बाद फिर डोरमामू को, मतलब पिछली वीडियो में डोरमामू को हरा के दिखाया, ठीक है। और डोरमामू को हराने के बाद मुझे पता लगा कि तब हमारी कॉम्बैट पावर थी 477। और जैसा कि मैं आपको बता देता हूँ पहले ही कि डार्क डोमेन का डोरमामू के बाद अगर सबसे खतरनाक कोई विलेन है तो वो हेल हल्की है, ठीक है ना। लोग हेला से भी ज़्यादा खतरनाक मानते हैं उसे। सबसे ज़्यादा खतरनाक लगता है शायद डोरमामू, फिर हेल हल्क और फिर हेला। उसके बाद फिर ये बोरन मोर्डो आते हैं और बाकी सब आते हैं, ठीक है। तो इसलिए मैं समझ गया था कि हेल हल्क को मैं आसानी से नहीं मार सकता हूँ। तो इसलिए मैंने क्या किया, इसकी कॉम्बैट पावर बढ़ाई और मैं इसकी कॉम्बैट तो इसलिए मैंने इसकी कॉम्बैट पावर बढ़ाई, ठीक है। और अब आप देख सकते हैं इसकी कॉम्बैट पावर है 6,42,000, 6,500 इसकी कॉम्बैट पावर है। वो मैंने कैसे बढ़ाई है, एक तो मेरे पास आयरन मैन का 5 स्टार का एक ये रीजनल कॉस्ट्यूम ए था, सकार का 5 स्टार का, वो मैंने इस पर ट्रांसम्यूट कर दिया, चेंज कर दिया। और एक ये था आयरन मैन के पास डार्क डोमेन के ग्लव्स, ठीक है, वो भी मैंने इसी को इस चेंज करके इसको दे दिए, ट्रांसम्यूट कर दिए। उसके अलावा मैंने अपने मेन कैरेक्टर का 6 स्टार का जेंडा सूट भी, कॉस्ट्यूम जो बी होता है, टॉर्सो जो है ये बी पार्ट, ये भी मैंने ट्रांसम्यूट करके इसको दिया है सिर्फ आज के लिए, ताकि मेरी कॉम्बैट पावर अच्छी हो जाए और मैं अच्छी तरीके से आपको पैटर्न्स बता सकूँ, ठीक है। उसके अलावा गियर्स भी मैंने अच्छे अच्छे रख लिए हैं। तो इस तरीके से मैंने अपनी 6,500 कॉम्बैट पावर कर ली है। अब क्योंकि मैं डोरमामू को मार चुका हूँ और मुझे हेल हेल को मारना है, और पैटर्न के हिसाब से मैंने अच्छी खासी इसकी कॉम्बैट पावर भी कर ली है, ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या क्या इसके पैटर्न्स हैं। क्योंकि हेल हल्क भी बहुत ख़तरनाक है, इसलिए मैं इसकी वीडियो के भी 2 पार्ट बनाऊंगा। जैसे कि मैंने हेला के भी 2 पार्ट बनाए थे, मैंने डोरमामू के भी 2 पार्ट बनाए, और इसके भी मैं 2 पार्ट ही बनाऊंगा, ठीक है। तो पहले पार्ट में मैं सिर्फ इसके पैटर्न्स के बारे में बताऊंगा। तो जब तक मैं इसके पैटर्न्स के बारे में बताता हूं, तब तक क्यों ना इसकी शुरुआत का खेल लें, क्योंकि शुरुआत में आपको 2-3 ऐसे छोटे मोटे विलन्स को मारना पड़ता है, उसके बाद हेल हल्क आता है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि कितनी कॉम्बैट पावर चाहिए। तो हेल हल्क के लिए हमें कॉम्बैट पावर जो चाहिए वो है 615, ठीक है, 615,000, और हमारे पास है 642,000, तो हम बहुत आसानी से इसे मार सकते हैं, ठीक है। जब तक ये आराम से विलन्स को मारती है, ठीक है। हाँ गाइस, तो जब तक ये ऑटो पे इन सबको मारती है, तब तक मैं आपको पैटर्न्स के बारे में बताता हूँ। तो हेल हल्क की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि उसके पैटर्न्स का कोई ऑर्डर नहीं है, ठीक है। मैंने बहुत ट्राई करी, और अगर ऑर्डर भी है तो मुझे समझ में नहीं आया, ठीक है। उसके पैटर्न्स हैं, वो फिक्स तरीके के अटैक करता है ये ज़रूर है, पर कौन सा अटैक किसके बाद करेगा ये फिक्स नहीं है, जहाँ तक मुझे पता लगा, ठीक है। मैंने बहुत कोशिश करी, पर मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि कौन से अटैक पैटर्न के बाद वो कौन सा करेगा। वो कोई सा भी अटैक पैटर्न कर देता है, ये मुझे रैंडम लग रहा है, और रैंडम नहीं है तो हो सकता है अपनी हेल्थ पे या उसकी हेल्थ पे डिपेंड करता है, या अपनी और उसके बीच में दूरी कितनी है, ठीक है, डिस्टेंस कितनी है हेल हल्क और अपने बीच में, मतलब स्टॉर्म के बीच में कितनी दूरी है, शायद उस पर डिपेंड करता है। पता नहीं किस चीज़ पर डिपेंड करता है, पर उसके पैटर्न का ऑर्डर फिक्स नहीं है, वो किसी के बाद भी कोई सा भी अटैक कर सकता है, ठीक है। उसके मैं अटैक बताता हूँ, उसके कई अटैक्स हैं, ठीक है, उसके कई बहुत सारे अटैक्स हैं, ठीक है। तो उस अटैक्स के बारे में मैं स्टार्ट करता हूँ। देखो, सबसे पहला जो उसका अटैक है, उसके अंदर वो क्या करता है कि थोड़ी दूरी से कंधे के बल आपकी तरफ कूद के आएगा। ऐसे डैश नहीं मारते हैं, डैश जैसे अपन डॉज करेंगे ना, जैसे ये देखो, आई मैंने डॉज किया, ये एकदम से अपन पीछे हटे, वैसे ही वो आपकी तरफ कंधे की तरफ करके आता है। जैसे अपन वो दया नहीं तोड़ता है गेट को, CID में दया तोड़ता है ना, जैसे गेट को, तो वो जैसे कंधे के बल मारता है, वैसे कंधे के बल आपकी तरफ कूदेगा वो, ठीक है ना। अगर वो आपकी तरफ कंधे के बल कूदता है, ठीक है, तो उसके बाद वो आपकी तरफ कूदने के बाद ज़मीन पे एक स्टॉम्प भी मारेगा। ये इसके एक अटैक पैटर्न है, कंधे के बल, कंधे की तरफ अटैक करते हुए आपके कंधे के बल पे आप पे आपकी तरफ कूदेगा और फिर ज़मीन पे एक मारेगा, ठीक है ना। ठीक ठाक डैमेज हो जाता है उससे, अच्छा खासा 50% से नीचे चली जाती है, 30 या 40% के आसपास ही लगती है, ठीक है। उसके बाद उसका दूसरा पैटर्न है ऐसा ही, जिसके अंदर वो भाग कर आएगा, ठीक है ना, और कंधे के बल ही भाग कर आएगा, लेकिन उसके बाद फिर वो एक मुक्का चलाएगा, एकदम कंधे के बल कूद के आपकी तरफ एकदम से डैश करके, जैसे डैश करके अपन पीछे हुए, ये देखो आगे गए, वैसे ही वो कंधे के बल कंधा आगे करते हुए एकदम से डैश करके तुम्हारे पास आएगा और फिर एक मुक्का चलाएगा, और मुक्के के एकदम एंड में जाके उसमें से थोड़ी आग सी भी निकलती हुई जाएगी, ठीक है ना। जब वो ये वाला चलाएगा, उसके बाद जब ये मुक्का चलाने का, तो थोड़ी देर रुकेगा और उसके बाद अपनी आँखों से
बहुत ऐसे ट्रायंगुलर शेप के अंदर, ट्रायंगुलर शेप के अंदर लेजर से चलाएगा या आग चलाएगा, ये इसका दूसरा पैटर्न है। पहले पैटर्न में कंधा मारेगा और ज़मीन पे फोड़ेगा, दूसरे पैटर्न में कंधे के बल पे आएगा पर मुक्का चलाएगा, फिर थोड़ी आग भी निकलेगी मुक्के से आगे की साइड, और फिर उसके थोड़ी देर बाद आंखों से बीम छोड़ेगा ट्रायंगुलर शेप में, त्रिकोण शेप के अंदर। ठीक है, इन दो पैटर्न के बाद उसके अलावा वो क्या करता है, तीन चार मुक्के भी चलाता है जगह पे बैठे बैठे, तीन चार मुक्के चलाएगा ऐसे साइडों में, फिर एक अपर कट चलाता है और अपर कट करा के फिर से ज़मीन पे एक स्टॉम्प मारता है, इसके आसपास में छोटे भी एरिया में डैमेज होता है, ये भी हो गया। ठीक है ना, और एक एक पैटर्न क्या है, एक पैटर्न के अंदर ये क्या करेगा, अपने हाथों से ज़मीन में से वेव्स निकालेगा, ठीक है ना, आग की वेव्स, ऐसे ज़मीन पे मारेगा धड़, एक सीधी लाइन में वेव्स जाएगी, फिर दूसरे हाथ से ही मारेगा धड़, फिर एक वो सीधी लाइन में वेव्स ही जाएगी, और उसके बाद फिर हवा में चला जाएगा और कूद के आएगा नीचे। ठीक है ना, जब ये वाली है जिसके अंदर लंबी लंबी वेव आती है आग की, ठीक है ना, ज़मीन पे मारने पे पूरा ज़मीन टूटती हुई जाएगी और उसके अंदर से आग की वेव सी बन जाएगी एक। ठीक है, इस वाले के अंदर जो वेव होती है दोनों हाथ की, वो भी बहुत ज़्यादा डैमेज करती है, मतलब दोनों हाथ की अगर आपने वेव खाली तो मर जाएंगे, मैं भी मर ही जाता हूँ, 3% हेल्थ बचती है। उसके बाद ये हवा में जाएगा और हवा में जाके ज़मीन पे एकदम से कूदेगा जैसे माइस्ट्रो कूदता था, जिसमें पूरा एरिया वो कवर नहीं कर लेता था, वैसे ही हेल हल्क भी हवा में जाके वैसे ही एरिया कवर करेगा और पूरा कूदता है, उसमें भी आप वन हिट हो जाओगे, अगर आप वेव से ही बच गए तो भी आप उसमें वन हिट हो जाओगे, और मान लो कूदने से भी आप बच गए तब भी हेल हल्क के पास में ना जाएं, क्योंकि कूदने के बाद वो चिल्लाता है और जैसे ही वो चिल्लाएगा उससे आपको 2-3 बार में डैमेज होगा और आप मर जाओगे, वो भी एक तरह से वन हिट ही करता है, क्योंकि वो जितने एरिया में वो कूद के डैमेज करेगा ना उतने एरिया में वो चिल्लाने वाला भी डैमेज करेगा, और उस चिल्लाने वाले डैमेज से आपकी फटाफट हेल्थ 40% होगी या फिर 0, आप उस चिल्लाने वाले एरिया से बाहर ही निकल पाओगे, इसलिए कूदने के बाद भी उसके पास ना जाए, उसे चिल्लाने भी दे। ठीक है, ये एक और अटैक पैटर्न हो गया। उसके अलावा इसका एक अटैक पैटर्न ये है जिसके अंदर वो कुछ नहीं करता है, सिर्फ ज़मीन पे मारेगा एक धड़ से करके, एक पीला सा एरिया बनेगा उतने एरिया में, और उसके बाद फिर घूम जाएगा, घूम के एक अजीब सा मारेगा। ठीक है, मैं आपको बता दूंगा ज़मीन पे घूमने वाला। ठीक है, तो ये वाला एक हो गया। ठीक है, मैंने आपको चार बता दिए हैं ना, सबसे पहले कंधे के बाद मुक्का मतलब ज़मीन पे मारना पहला, दूसरा कंधे के बाद पंच मारना और फिर आंखों से मारना, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में, तीसरा दो वेव छोड़ना हाथों से, उसके बाद फिर हवा में जाना, ज़मीन पे फूटना और फिर चिल्लाना। ठीक है, चौथा एक छोटे से एरिया में ज़मीन पे मारना और फिर गोल घूम के मारना। ठीक है, फिर पांचवे के अंदर ये क्या करता है कि एक सामने अपने सामने एरिया में चौखुट्टे में डैमेज करेगा। ठीक है, पता नहीं मुक्के से करता है अपरकट से, पर छोटे इसके सामने रेक्टेंगुलर एरिया बन जाएगा, चौकोर एरिया बन जाएगा, आयताकार सा एरिया बन जाएगा, पीला पीला, पहले ये उसमें डैमेज करेगा और उसके बाद अपनी आंखों से एकदम सीधी लेजर सी फेंकेगा, अब लेजर है या आग ही है पता नहीं, पर वो फेंकता है। ठीक है, एक ये है पांचवा या छठा जो भी हुआ। ठीक है, उसके अलावा ये क्या करता है, हाँ, जब इसकी थोड़ी हेल्थ कम होने लग जाती है, जब इसकी थोड़ी सी हेल्थ कम होने लग जाती है ना, तभी क्या करता है, चिल्लाता है, कुछ भी नहीं करता, डायरेक्ट चिल्लाएगा। ठीक है ना, और चिल्लाते ही बहुत बड़ा सा ऐसे आग का एक एरिया सा बन जाएगा, जैसे कि क्या बताएं, उसके गोलाई में पूरी आग ही आग हो जाएगी, मतलब ऐसा चिल्लाएगा, आग का एक वेव सी आएगी और एरिना के एंड में जो भी अपना एरिया है जहाँ पर लड़ रहे हैं उसके एंड में जाएगी और एंड में जाके वहाँ एक सर्कल सा बना देगी, जब भी वो ऐसा चिल्लाए मतलब डायरेक्ट ही चिल्लाए। ठीक है ना, तो उससे जो आग की वेव सी आती है उससे आपको डैमेज होगा पर आप उससे मरोगे नहीं। ठीक है, आपको डैमेज होगा पर मरोगे नहीं, पर जैसे वो वेव बन जाए, बनने के बाद ये भागेगा। ठीक है, जब इसकी हेल्थ कम होती है तब शायद ये 2 बार ही भागता है और 3री बार बहुत तेज़ी से भागेगा, और जब इसकी हेल्थ कम हो जाएगी, इसके बार कम हो जाएंगे हेल्थ बार, तब ये 3 बार भागेगा और उसके बाद 4थी बार में बहुत तेज़ी से भागेगा। ठीक है, जब ये 3 बार भागेगा तब आप आसानी से भाग भाग के बच सकते हैं। ठीक है, जैसी वेव छोड़े आप गोलाई में भागते रहें, एक बार भागेगा फिर आपको देखेगा, फिर 2री बार भागेगा, फिर आपको देखेगा, फिर 3री बार भागेगा, उसके बाद 4थी बार में एकदम से भाग के आएगा, ठक, बहुत तेज आता है तब तो। ठीक है, तो आप भागते रहें, बस भागते रहें भागते रहें भागते रहें, आप बच जाएंगे, और जैसे ही बहुत तेज़ी से भाग के आएगा फिर से ज़मीन पर एक स्टॉम्प मारेगा जिससे उसके आसपास के छोटे एरिया में डैमेज होगा। ठीक है, ये भी आपको मैंने एक और पैटर्न बता दिया। अब एक और पैटर्न कौन सा बच गया है, हाँ, कभी कभार ये क्या करता है, ऊपर हवा में उठता है और अपने आगे सीधी सीधी रेखा में, अपने आगे एकदम सीधी में आंखों से लेज़र छोड़ता है ज़मीन के अंदर, और ऐसे सीधा छोड़ता है एकदम। ठीक ना, एक तो कि आपको सीधा लेज़र छोड़े, ठीक है ना, और एक है कि ऊपर जाके ज़मीन पे छोड़े और ज़मीन पे ऐसे आगे बढ़ती हुई जाए वो लेज़र, ज़मीन को ऐसे फाड़ते हुए तोड़ते हुए जाए, एक ये वो वाली भी स्किल चलाता है। ठीक है, ये वाली हो गई। जब भी ये लेज़र वाली स्किल चलाता है ना, उसके बाद ज़्यादातर ये 2 बार कूदेगा भी। ठीक है ना, ये इसका एक 7वां पैटर्न है।
कूदने वाला कैसे करता है ये, कूदने वाले के अंदर क्या करेगा, एक अपना राइट हैंड को जमीन पे मारेगा धम, जैसे ज़मीन पे मारेगा उसके आस में थोड़ा आसपास थोड़ा डैमेज होगा, और ज़मीन पे जैसे ये मुक्का मारेगा सो ही कूदेगा और कूद के तुम्हारे पास आएगा, ठीक है। अगर तुम उसके आसपास होगे तो जैसे ज़मीन पे मारेगा उससे भी डैमेज होगा, और फिर वो कूद के तुम्हारे ऊपर कूद जाएगा, और अगर तुम दूर होगे तो तुम देख लोगे जैसे ने ज़मीन पे मुक्का मारा सो ही वो तुम्हारे पास कूदेगा धम से, उससे तुम्हारी अच्छी खासी हेल्थ चली जाएगी, पर हो सकता है तुम वन हिट ना हो, ठीक है ना। अराउंड 60 से 70% हेल्थ चली जाती है, और उसका कूदने का वो दोबारा तुम्हारे ऊपर कूदेगा, दो बार कूदता है, ठीक है। ज़मीन पे मुक्का, फिर एक बार तुम्हारे पास कूदेगा, फिर दूसरी तुम्हारे पास दूसरी बार भी तुम्हारे पास कूदेगा। इसमें पहली बार जब वो कूदेगा तब तुम भाग के बच सकते हो, पर अगर दूसरी बार भी तुम्हारे पास कूदे तो तुम हो सके तो डॉज यूज़ कर लेना, क्योंकि कभी कभार ऐसा कूदता है कि आप बच नहीं पाते हो, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि स्टॉर्म इतना धीरे भागती है कि मैं नहीं बच पाता हूँ, तो ये प्रॉब्लम है, ठीक है ना। ये है दो बार कूदने वाला, ठीक है ना। ये ज़्यादातर ये लेज़र आई चलाता है, उसके बाद करता है, पर कई बार ये कभी भी कर देता है, ठीक है। अब मैं बता देता हूँ, इसके अंदर जो भी सारे के सारे पैटर्न हैं सब के सब आपको दो हिट करेंगे, फिक्स है, दो हिट में आप मर जाओगे, ठीक है। ऐसा कोई भी हल हल्का वो नहीं है पैटर्न जिसमें आप दो हिट में ना मरो। वन हिट के मैंने आपको बता दिए हैं, उसके अलावा भी जब मैं खेलूँगा तब भी बता दूंगा, बाकी सारे आपको दो हिट में तो मार ही देंगे चाहे कुछ भी हो जाए। समझ में आ गया आपको? तो यही है लगभग सारे पैटर्न्स, मैंने आपको लगभग लगभग सारे पैटर्न्स बता दिए हैं, सातों के सातों। इनका कोई भी ऑर्डर नहीं है, ये कैसे भी होते हैं, ठीक है। तो 7 या 8 पैटर्न्स मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। इसके बाद हमें ये हेल हल्क से पहले जनरल रॉस से लड़ना होता है, ठीक है। तो जनरल रॉस और हेल हल्क को मैं डायरेक्टली लड़ा के बताऊंगा, ठीक है। जनरल रॉस के भी आप पैटर्न जान लो, तो जनरल रॉस के पैटर्न कुछ भी नहीं है, उनकी खास बात यह है कि वो जब भी कोई अच्छा डैमेज करने वाला हो तो उससे पहले वो एक जगह खड़े होकर ना पावर से खींचते रहते हैं, तो जब भी वो एक जगह खड़के झुक जाए ना, झुकने के बाद वो पावर से खींचे तो समझ जाए ना, इसके बाद वो खतरनाक डैमेज करने वाले, तो आप उसकी उनकी लाइन से एकदम उनकी सीधी लाइन से दूर हो जाए। वो जिस साइड भी झुक के जिस साइड भी देख रहे होंगे वो उसी साइड ही भागते हो जाते हैं, डैमेज करते हैं, मुक्का मारते हैं, ज़मीन पर तोड़ते हैं, अपर कट करते हैं, जो भी करते हैं वो एक साइड देखते रहते हैं, बस ऐसे झुकेंगे जैसे कोई पावर से खींच रहे हो, जैसे ड्रैगन बॉल जी में खींचते हैं वैसे खींच रहे होंगे, और जिस साइड देख रहे होंगे उसी साइड भागेंगे, तो बस आपको उससे उनकी साइड पीछे चले जाना है, उनके थोड़े साइड में होकर डैमेज करते रहना है, ठीक है। तो उससे आप बच जाओगे। उसके अलावा जनरल रॉस की ऐसा कोई भी पावर नहीं है जो आपको वन हिट करती है, ठीक है। उसके अलावा जनरल रॉस एक ना वो बॉम्ब फेंकते हैं लगातार भम 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 भम, उसमें भी आप उनसे गोल गोल घूमते रहे ताकि बॉम्ब आपको लगे नहीं, क्योंकि अगर आपको बॉम्ब लगेंगे तो आपको लगभग 30 से 40% का डैमेज होता है। मेरे को एटलीस्ट, मेरी हेल्थ आप जानते हैं कितनी है, मैं आपको बता देता हूँ, ये मेरी हेल्थ है 87,000 के आसपास, तो 20 से 30% का मुझे डैमेज होता है, तो मुझे चार पाँच बॉम्ब लगातार लग जाते हैं तो मैं मर जाता हूँ। तो ऐसे ही आपके साथ भी होगा, तो जब बॉम्ब आए तब भी आप गोल गोल घूमते रहें, और जब वो पावर खींच रहे हो तब उसे मारें, फिर थोड़ा साइड में हो जाए फिर मारें, ठीक है, वो सीधा मारेंगे। तो इस तरीके से मैंने आपको लगभग हेल हल्क और जनरल रॉस दोनों के पैटर्न्स बता दिए हैं, ठीक है ना। यही था इस वीडियो में थ्योरी थोड़ी, अब अगली वीडियो में हम आपको प्रैक्टिकल करके दिखाएंगे, ठीक है। मैंने सारे पैटर्न्स के आपको नाम भी बता दिए, सिंपल मुक्का स्टॉम, एक है दो बार कूदना, एक है ठीक है ना दो वेव चला के फिर बहुत ज़्यादा कूदना, फिर चिल्लाना, एक बार पहले चिल्लाना उसके बाद भागना, ठीक है। एक है आंखों से लेज़र छोड़ना, ठीक है ना, एक है सामने आयताकार डैमेज करके आंखों से लेज़र छोड़ना, और एक है ऊपर चढ़ के ऊपर हवा में जाके जमीन के अंदर लेज़र छोड़ना सीधे चलते हुए जाना, और एक है जिसके अंदर कंधे के बल आपकी तरफ भाग कर आना और उसके बाद आंखों से ट्रायंगुलर शेप में आग से छोड़ना है लेज़र छोड़ना, ठीक है। और एक है सिंपल कंधे से आके जमीन पर मारना, और एक है कंधे से आके मुक्का मार के फिर आंखों से ट्रायंगुलर शेप में लेज़र छोड़ना, और एक बहुत ही अलग है जिसके अंदर होता यह है कि वो आपके पास आएगा, कूदेगा, कूद के आपके पाँव को पकड़ लेगा, और पाँव को पकड़ के जैसे हल्क ने उसमें एवेंजर्स के अंदर लोकी को धार 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 पीटा था ना, वैसे भी आपको वो पीटता है ना। पर ये तभी होता है जब आप शायद गार्ड ब्रेक हो जाते हो, शायद ये तभी होता है, मतलब ये एक ही बार मेरे साथ हुआ है, वरना होता नहीं है ये, क्योंकि हो सकता है मैं भागता रहता हूँ। ये तभी होता है जब वो एकदम सही एकदम एग्जैक्ट जगह पे आपके एकदम एग्जैक्ट जगह पे आके कूदे, अगर वो आपकी एग्जैक्ट जगह पे आके कूदता है ना तो वो आपके पाँव को पकड़ लेता है, फिर आपको धार 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 दोनों साइड फेंकता है जैसे हल्क ने लौकी को फेंका था। तो वो मेरे साथ एक ही बार हुआ है, और उसकी खास बात ये है कि अगर आपके पास दो डोज हैं तो आप एस्केप वाला चला सकते हैं, आपको पता होगा यहाँ पर एक करंट सा वो बन जाता है एस्केप वाला पॉइंट, उसको जैसे ही आप दबाते हो तो आप बिल्कुल इनविंसिबल होकर एकदम पावर होकर कूदते हो, तो वो आप चला के उसके हाथ के चंगुल से बच सकते हो अगर आपके पास दो डोज हों, क्योंकि एस्केप वाली पावर दो डोज ले लेती है। तो यही थे हेलल के सारे पैटर्न्स, मैंने आपको सारे पैटर्न्स बता दिए, खूब पैटर्न्स हैं इसके 10-11 के आसपास, और कोई का भी कोई ऑर्डर नहीं है, कभी भी कोई सा चल जाता है, ठीक है। तो ये थी इस वीडियो के बारे में थ्योरी, अब अगली वीडियो में आपको मैं प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि कैसे इसे मारना है गाइस। तो इस वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, आप अगली वीडियो में देखिए।